Hey guys, welcome back to my channel. साउथ सुपरस्टार प्रभास बाहुबली के बाद सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत पॉपुलर हैं। पूरे देश भर में उनकी खूब फैन फॉलोइंग है। फिलहाल फैंस उनकी पैन इंडिया रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास उनकी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम में नजर आएंगे, जिसमें वो एक पाम रीडर यानी हाथ पढ़ने वाले लड़के का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े होंगी, जिसे जिल्ड फेम मूवी से नाम कमा चुके डायरेक्टर राधे कृष्ण कुमार ने डायरेक्ट किया है। प्रभास आखिरी बार अपनी फिल्म साहू में नजर आए थे। गाइज, हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि प्रभास पर ऋतिक रोशन एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब इस फिल्म से एक और अपडेट सामने आई है। खबर यह है कि प्रभास और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन एक साथ फिल्म में नजर आएंगे, जिसे तानहाजी फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत डायरेक्ट करेंगे। न्यूज ये भी है कि फिल्म काफी बड़े बजट पर बनेगी। सोर्सेज की माने तो खबर ये भी है कि प्रभास ने फिल्म के लिए अपनी हामी भर दी है और अब सिर्फ फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की ही देरी है। रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि प्रभास ने इस मूवी के लिए अपने 60 दिन दिए हैं, जो राधे श्याम मूवी के रिलीज होने के बाद शुरू होंगे और इस फिल्म के लिए वो 60 दिनों यानी 2 महीने की शूटिंग करेंगे और इसकी शूटिंग करने के बाद वो उनकी और दीपिका पादुकोण की आने वाली पैन इंडिया फिल्म की शूटिंग करेंगे। वैसे ऋतिक रोशन और प्रभास को एक साथ आने पर आपका क्या रिएक्शन होगा, कॉमेंट जरूर करें। फिलहाल हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। So guys, let me know in the comment section below what you think about this video. And for more such videos, keep watching No Bottle. Also follow us on Instagram and Facebook. Thank you.